अध्यक्ष के मंडल में दो ध्वनि होंगे, तहसील होगी, तहसीलदार होगा, एसडीएम होगा, थाने होंगे, इनके सबके नंबर पर हर हालत में मेरे मंडल अध्यक्ष का टेलीफोन नंबर सेव होगा। तो व्यवस्था हमारे संगठन के जिला के हर पदाधिकारी का उपाध्यक्ष महामंत्री तक हर हालत में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक एसडीएम एडीएम इनके सबके फोन पर पूरे जिले के संगठन के पदाधिकारियों का फोन नंबर सेव होगा। अगर वो एडीएम को फोन हमारा उपाध्यक्ष करेगा तो उनको जी भाई साहब कहना पड़ेगा। ये हमारे विधायक और माननीय सांसद का नंबर किसी भी फोन पर हो सकता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी सारे जिला स्तरीय अधिकारियों के फोन पर हमारे माननीय विधायकों का नंबर सेव नहीं होगा। मेरी कोशिश होगी कि एक भी विधायक का फोन नंबर जिले के जितने भी हमारे एचओडी हैं, जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनके फोन पर हमारे सभी विधायकों का फोन नंबर सेव हो। और जब विधायक फोन करे तो उनको कहना पड़ेगा जी सर, क्योंकि वो संवैधानिक कर्तव्य है विधायक को सर कहना। जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है और प्रोटोकॉल भी है, इसका मैं निर्वहन कराऊंगा। और हमारे मंडल के पदाधिकारियों का जिले के पदाधिकारियों को जी भाई साहब कहने की परंपरा डालने का मैं प्रयास करूंगा। और ये मैं कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मंडल अध्यक्ष को जी भाई साहब कहते हैं तो कलेक्टर क्यों नहीं आपको जी भाई साहब कहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।